लॉकडाउन के बाद आर्थिक बाजू मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक की घोषणा की। इसके तहत महाराष्ट्र के ज्यादातर ऑफिस और प्रतिष्ठान पटरी पर आए। अब सरकार ने अंतर जिला बस सेवा भी शुरू कर दी है। लाल परी रास्ते पर उतरने लगी है। अब निजी बस संचालकों का कहना है कि हमारा क्या कसूर है, निजी बस कब से शुरू होगी। कोरोना महामारी के चलते 22 मार्च से राज्य में लॉकडाउन की घोषणा हुई और व्यवसाय बस सेवा सभी जगह पर बंद हुई। कोविड के चलते 3 माह तो सख्ती से सभी व्यवसायों पर प्रतिबंध लगे थे, लेकिन अब जनजीवन पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन में राहत दी जा रही है, जिसके चलते राज्य में अब महाराष्ट्र की लाल परी यानी एसटी महामंडल की बस सेवा 20 अगस्त से शुरू की गई, लेकिन बीते 5 माह से निजी बस भी बंद है, जिससे व्यवसायियों की आर्थिक हालात भी खस्ता हुई है। साथ ही इन बसों की बस ड्राइवरों पर भी भुखमरी की नौबत आई है। नहीं, वैसे पहले से ही सरकार और प्राइवेट जो वाहन चलते, प्राइवेट वाहन यानी ऐसा लगता है कि बहुत कमाई वाला वाहन है, साधन है, और एसटी जो है गरीबों के लिए है। हम भी सेवा देते, गरीब बोलो कि अमीर बोलो, हम ये सेवा है। सेवा के हिसाब से देखा जाए तो एसटी जैसी शुरू होती है तो वही हिसाब से प्राइवेट बस भी शुरू होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी कोई लोग जो जाते हैं वो लोग ही है, यहाँ इसी हिंदुस्तान में पैदा हुए, वो इसी हिंदुस्तान के लोग हैं वो उनका, लेकिन यहाँ दूजा भाव हरदम होता है उनका। टैक्सेशन में फ़र्क है, हमारा टैक्सेशन में फ़र्क है, हमको 7,000 रुपये पर सीट लगता है, उनको बहुत कम है। अब ये नियम अलग अलग बात होती है, हरदम यही बात होती है, हमारे ऊपर अन्याय होते ही रहते, फिर भी हम बोलते कि चलो भाई हमको धंधा करना है, लोगों को रोज़गार देना है, थोड़ा बहुत सहन कर लेते, लेकिन अभी अति हो गया, अभी नहीं हो सकता हमसे, क्योंकि ड्राइवर कंडक्टर की भी सुसाइड की परिस्थिति आएगी। हमारे एक ड्राइवर उस दिन हार्ट अटैक से मर गया है। संकट ऐसा है कि गाड़ियाँ वो भी खड़ी है, उनका टैक्स इंश्योरेंस भरना ही है, नहीं टैक्स भी भरे हम तो कम से कम उसका इंस्टॉलमेंट जो है तो भरना ही पड़ेगा, नहीं भरे तो उसका जो ब्याज है वो तो लागू है, ब्याज लागू है, इंश्योरेंस लागू है, और हम बोल रहे हैं कि कम से कम जितने दिनों तक गाड़ियाँ खड़ी है उसका ब्याज तो मत लो, हम मुद्दल भरने को तैयार है। वो ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, एक तो धंधे बंधन डबल ब्याज देना, ये मुसीबत में हमारा धंधा चल रहा है अभी। और जो कंडक्टर है, ड्राइवर है, हमारा स्टाफ है काम करने वाला, वो इतने दिन से हमारे साथ में रहता है, इसलिए कुछ तो भी हमको उनको देना है, उनको देंगे आंदोलन करके, क्या रावण के सामने बीन बजा के क्या फ़ायदा है, आंदोलन किसके सामने का सब मालूम है उनको, जो सुनते ही नहीं उनके सामने क्या आंदोलन करना है। सब डिस्ट्रिक्ट से कलेक्टर, MLA, आमदार, खासदार जो भी है सबको दे दिया हमने, लेकिन कोई ऐसा ये नहीं, कुछ नहीं, इसलिए तो अभी 6वां महीना शुरू हो गया हमारे। 5 महीनों से लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं निजी बस संचालक और उनके कर्मचारी, सरकार की ओर आस लगाकर देख रहे हैं कि बाकी प्रतिष्ठानों को जो सहूलियत मिली है वो उन्हें कब मिलेगी। सभी निजी बस संचालक सरकार ने दिए नियमों पर चलने के लिए तैयार है, मगर सरकार जैसे बाकी व्यापारियों की समस्या हल की, ऐसे ही इनकी समस्या को हल होने का इंतजार संचालक कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBC News, नागपुर।